भाई गाड़ी का लुक पूरा स्पोर्टी वाला है, जो कि आप लोग खुद ही देख सकते हो। सस्पेंशन यानी दो आते थे भाई, सिंगल कर दिया, एक मोनो सस्पेंशन मिल रहा है बीच पे। सेल्फ देखो कितना छोटा लगा हुआ है, देखो सेल्फ देखो गाड़ी का, ठीक है। ABS भी मिलने वाला है, तो इस गाड़ी में भाई ABS भी आएगा, नॉन ABS भी आएगा। तो भाई एकदम पूरा डिजिटल मीटर मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको देखो फ्यूल की लाइट मिल जाएगी, इंजन की लाइट मिल जाएगी, और न्यूट्रल का यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा, और ABS की लाइट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको DRL मिलने वाले हैं दो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लैंप मिलने वाले हैं, चालू करते हैं तो देखो भाई एक नंबर दिखने वाली है, यानी कि रात में आप इसका लुक देखोगे ना तो भाई पूरी गाड़ी का लुक ही चेंज दिखेगा। और बाकी मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ, यानी आप लोग 1 लाख रुपए में कोई अच्छी गाड़ी ढूंढ रहे हो तो भाई इसकी तरफ आ सकते हो, जो कि भाई 1 लाख रुपए में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज के व्लॉग में भाई आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ भाई गाड़ी का रिव्यू, जो कि आई है भाई हीरो की एक्सट्रीम, जो कि अभी आई है एक्सट्रीम 125 हीरो की। तो भाई गाड़ी का लुक पूरा स्पोर्टी वाला है, जो कि आप लोग खुद ही देख सकते हो, यानी साइड प्रोफाइल देख रहे हो गाड़ी की, यानी पूरा लुक चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही में भाई पीछे दिखाऊं तो भाई यहाँ पे भी आपको भाई सस्पेंशन यानी दो आते थे भाई, सिंगल कर दिया, एक मोनो सस्पेंशन मिल रहा है बीच पे। और भाई पीछे आपको ड्रम मिलने वाला है, पीछे डिस्क ब्रेक नहीं मिलने वाला है, पीछे आपको ड्रम ही ब्रेक मिलेगा। और यहाँ पे भाई देखो पूरा मडगार्ड का हुलिया ही चेंज कर दिया है भाई, जो कि भाई देख सकते हो पूरा कवर के साथ आ रहा है, और पीछे पूरा यानी कि शेप ही देख सकते हो पूरा चेंज कर दिया गया है। और भाई एक चीज़ खासियत बताऊँ ये इंजन की, तो इसमें सेल्फ देखो कितना छोटा लगा हुआ है, देखो सेल्फ देखो गाड़ी का, ठीक है। यानी कि भाई ये इंजन में थोड़ी नई टेक्नोलॉजी आई है, EBT ने नाम दिया है, ठीक है। इसका आप फुल फॉर्म निकाल लेना गूगल करके। बाकी भाई एवरेज के मामले में इस गाड़ी की बात करें तो भाई 55 से 60 का एवरेज आपको मिल जाएगा इस गाड़ी पे, और 125 cc का इंजन होने वाला है। और आगे अपन व्हील पे आते हैं, तो आगे व्हील में आपको भाई डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, और साथ में ABS भी मिलने वाला है। तो इस गाड़ी में भाई ABS भी आएगा, नॉन ABS भी आएगा। तो ये सिंगल चैनल ABS के साथ आ रही है, और इसमें एक नॉन ABS के साथ भी आएगी, ठीक है। तो प्राइसिंग के अपन बाद में बात करेंगे, तो अपन आ जाते हैं भाई इसके टैंक की तरफ। तो इसमें आपको 10 लीटर का टैंक मिलने वाला है, जो कि भाई इसका टैंक देख सकते हो कितना बड़ा है, और 10 लीटर का आपको इसमें पेट्रोल यानी भर जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको डिजिटल मीटर का दिखाऊं तो भाई एकदम पूरा डिजिटल मीटर मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको देखो फ्यूल की लाइट मिल जाएगी, इंजन की लाइट मिल जाएगी, और न्यूट्रल का यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा, और ABS की लाइट मिल जाएगी, ठीक है। और भाई एक चीज़ और बताऊँ तो देखो यहाँ पे आप गियर वगैरह लगाते हो, जैसे कि आपको पता नहीं होता भाई गियर कौन से गियर पे चल रही है, तो भाई इसमें गियर का भी ऑप्शन दिया है। तो देखो अभी न्यूट्रल है, मैं एक नंबर गियर लगाया, तो देखो भाई यहाँ पे गियर लिखा हुआ आ गया, यानी एक नंबर गियर पे चल रही है। यानी आपको यानी कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन से गियर पे चल रही है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी गाड़ी का भाई पूरा ही लुक चेंज कर दिया है हीरो ने इस बार, जो कि आपको मैं आगे की तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको DRL मिलने वाले हैं दो, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लैंप मिलने वाले हैं, जो कि मैं आपको जला के चलाता यानी दिखाता हूँ चालू करके। तो गाड़ी स्टार्ट, एक मिनट, न्यूट्रल करना पड़ेगा उसके लिए, तो न्यूट्रल कर लेते हैं। तो गाइस न्यूट्रल हो चुकी है अपनी गाड़ी, ठीक है, ये अपन ने स्टार्ट किए हैं। तो भाई ये हो चुके हैं इसके प्रोजेक्टर चालू, ठीक है। तो अपन इसका ये चालू करते हैं, तो देखो भाई एक नंबर दिखने वाली है, यानी कि रात में आप इसका लुक देखोगे ना तो भाई पूरी गाड़ी का लुक ही चेंज दिखेगा, यानी ऐसा लगेगा भाई अलग से अलग ही गाड़ी आ रही है, क्योंकि इसकी भाई DRL लाइट थोड़ी सी अलग है, ठीक है। और ऊपर आपको ये कॉन्सोल वगैरह दिखाऊं, यानी बटन वगैरह, तो भाई यहाँ पे देखो पूरा यानी कि चेंज कर दिया गया है, यानी यहाँ पे आप स्विच वगैरह का देख सकते हो, डिज़ाइन पूरा चेंज हो चुका है। और यहाँ पर देखो भाई किल स्विच और सेल्फ स्विच सिर्फ एक ही में है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हज़र्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी नॉर्मल है इंडिकेटर, हॉर्न। और बाकी मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो भाई पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया है भाई, यानी कि पहले तो आप देखे होगे भाई एक्सट्रीम पहले कैसी थी, और यानी अब कैसी कर दी गई है। और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ पे आपको ये गियर शिफ्टर यानी सिंगल वाला मिलने वाला है, यानी एकदम स्पोर्टी वाला, यानी आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि भाई कि वैसी गाड़ी चला रहे हैं, एकदम स्पोर्टी वाली फील आने वाली है इस गाड़ी में, और ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ, यानी आपको इसमें गार्ड वगैरह नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको एसेसरीज़ में लगवाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी गाड़ी आप लोग खुद बताइए कमेंट करके कि गाड़ी आपको कैसी लग रही है, ठीक है। और बाकी मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ, यानी आप लोग 1 लाख रुपए में कोई अच्छी गाड़ी ढूंढ रहे हो तो भाई इसकी तरफ आ सकते हो, जो कि भाई 1 लाख रुपए में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। भाई ये 55 से 60 का एवरेज देने वाली है ये गाड़ी, ठीक है। और इसकी टॉप स्पीड भाई 116 से 120 हो सकती है, जो कि कंपनी बोल रही है। तो भाई अभी तक कोई किसी ने चलाया नहीं होती, लेकिन भाई चलाओगे तो भाई कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो गाइस अपन इसके प्राइसिंग की बात करें
तो भाई इसका नॉन एबीएस के साथ आ रही है 95,000 रुपये की, ठीक है। एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, ऑन रोड नहीं बता रहा हूँ, एक्स शोरूम प्राइस इसका 95,000 है, और एबीएस के साथ लेते हो तो 99,500 की मिलने वाली है, ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस है। और बाकी आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे भाई इसका गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब एसेसरीज में आएगा। और भाई इंजन भाई ईबीटी, ये ईबीटी यानी इसका फुल फॉर्म आप सर्च कर लेना, यानी कि हाईटेक कुछ इनने किया है इंजन के साथ, तो आपको यही बताऊंगा कि ईबीटी है इसका फुल फॉर्म, आप सर्च करना तो आपको समझ में आ जाए क्या है, ठीक है। तो भाई गाड़ी कैसी लगी आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मैं अभी जबलपुर के शोरूम में खड़ा हूँ, सुपर हीरो के शोरूम में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो भाई इसमें इनके पूरे शोरूम का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपको ये गाड़ी लेना हो तो आप नज़दीकी अपने हीरो के शोरूम में विज़िट कर सकते हो। बाकी मेरे से कोई भी छोटी मोटी चीज़ भाई छूट रही होगी तो मैनेज कर लेना, क्योंकि भाई मेरे को भी ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि अभी जस्ट अभी उतरी है गाड़ी, ठीक है। तो जितना मेरे को पता रहा मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। बाकी आप लेने की सोच रहे हो, 1,00,000 रुपये आपका बजट है 1,00,000 रुपये आपका बजट है गाड़ी लेने के लिए, तो यहाँ पे एक बार विज़िट कर सकते हो, या आप अपने नज़दीकी शोरूम पे जाके हीरो टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। बाकी वीडियो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो अपने भाई के चैनल को, ठीक है। और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी, आई बटन में आ रही होगी, तो देख लेना। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।